नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। उम्र भर पक्के नहीं होंगे कर्मचारी। लोक निर्माण विभाग में 5,000 कर्मचारियों की भर्ती से पहले बनाई गई पॉलिसी। कर्मचारी ताउम्र अनियमित रूप से सेवाएं देते रहेंगे। विभाग में भर्ती होने वाले सभी कर्मचारी भविष्य में स्थायी नौकरी की ना तो मांग कर पाएंगे और ना ही नौकरी के लिए आंदोलन छेड़ पाएंगे। सभी कर्मचारियों को 4,500 रुपये मासिक तय मानदेय पर नौकरी मिलेगी। भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पूरे 8 घंटे काम करना होगा। यदि उसका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या कोई शिकायत आती है तो यह अधिकार लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा कि वह कर्मचारी को नौकरी से हटा सके। कर्मचारियों का मुख्य कार्य सड़क के रखरखाव का होगा, लेकिन इनकी भर्ती बतौर मल्टीटास्क कर्मचारी के रूप में की जाएगी। विभाग मंडल और उपमंडल स्तर पर सीधे साक्षात्कार से भर्ती करेगा। पॉलिसी में केवल बेरोजगारों को ही PWD में भर्ती करने का फैसला किया गया है। इसमें अन्य दस्तावेजों के साथ ही बेरोजगारी का प्रमाण पत्र भी आवेदकों को लगाना होगा। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इससे अधिक शिक्षित होने वाले आवेदकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। भर्ती के लिए साक्षात्कार मंडल और उपमंडल स्तर पर होंगे। विभाग ने आयु सीमा 18 से 45 साल तय की है। भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेजों में हिमाचली प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुभाषीष पांडा का कहना है कि लोक निर्माण विभाग में 5,000 पदों के लिए भर्ती पॉलिसी तैयार कर ली गई है। भविष्य में वेतन बढ़ाने या नियमित करने को लेकर कर्मचारी किसी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे। पुलिस सेना की तर्ज पर होगी शारीरिक जाँच। लोक निर्माण विभाग में 5,000 कर्मचारियों की भर्ती पुलिस और सेना की तर्ज पर होगी। इन भर्तियों की तरह ही लोक निर्माण विभाग भी आवेदकों की शारीरिक जांच करेगा। दरअसल लोक निर्माण विभाग में भर्तियां सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों की हो रही है, ऐसे में उनका शारीरिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। विभाग ने पॉलिसी में तय कर दिया है कि केवल उन्हीं आवेदकों को अवसर मिलेगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास कर पाएंगे। ऐसे में भर्ती के दौरान शारीरिक जांच भी की जाएगी। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।